लेकिन प्राइस सरोजनी से थोड़े से ज्यादा थे थोड़े ए लड़की का पर्स चेक नहीं करते बाकी और कुछ नहीं अबे पर्स से सूटकेस है वो पूछा तुमसे ये ज्यादा ही शॉर्ट हो गया मेरा मन नहीं कर रहा कि तुझको पहन के बाहर जाए दूसरी ट्राई कर तू ब्लॉगर है भाई तो अच्छे कपड़े पहन पर इसको अपनी इज्जत ना इतनी इज्जत इतनी खातिरदारी राज नहीं आ रही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ. सो आज है वीकेंड मंथ एंड और ईयर एंड. सो आज है 31st of December और ये साल का आखिरी दिन होने वाला है आज. सो बहुत टाइम से ना मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था ब्लॉग बनाने लायक. चिल अपना मी टाइम इन्जॉय कर रही थी मैं. बट आज साल का लास्ट दिन है तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाना तो बनता है. इस दिन को थोड़ा सा यादगार बनाते हैं और आज मैं जो भी कुछ करने वाली हूँ ना मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली हूँ. फिलहाल हम लोग हैं नोएडा में. हम लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए थे और अभी बज रहे हैं दिन के 12. मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि दीदी और मैं जा रहे हैं आज मार्केट. हम कौन से मार्केट जा रहे हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है. लेकिन हमने सोचा कि जो यहाँ का लोकल मार्केट है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और कुछ ऐसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आते हैं. सो आप लोग बनी रहेगा मेरे साथ इस ब्लॉग में. चीयर्स टू 365 डेज गाइस. सबसे पहले हमने वेव सिल्वर टावर के पास अपनी कार पार्क की. उसके जस्ट अपोजिट में है सेक्टर 18 का मार्केट जो कि अट्टा मार्केट के नाम से भी फेमस है. इस मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी चाहे वो लेटेस्ट विंटर वेयर कलेक्शन हो या फिर एथनिक वेयर. यहाँ पे आपको सारे ट्रेंडी ऑप्शंस मिल जाएंगे कपड़ों से लेके ज्वेलरी फुटवेयर यहाँ तक कि होम एसेंशियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी. मार्केट में घूमते घूमते हमें भूख लगने लगी थी और लंच टाइम भी हो गया था तो हमने वहाँ की एक स्वीट शॉप से समोसे एंड नूडल पैक करवा ली थी जो कि हमने रास्ते में चलते हुए खाई. आई लव नूडल्स और ये बनी हुई बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. खुद खाई साथ में दी को भी खिलाई क्योंकि वो कर रही थी ड्राइव. अब हमने डिसाइड कर लिया था कि आज हम जाएंगे लाजपत नगर मार्केट जो कि वन ऑफ द फेमस मार्केट है दिल्ली में. वहाँ जाना तो बनता है. कई साल पहले ना मैं अपनी भाभी के साथ आई थी वहाँ पे और आज एक बार फिर और मौका मिल रहा था तो मैं कैसे नहीं जाती. सो सबसे पहले हमें एक हेयर एक्सटेंशन की शॉप दिखी. हम उस पर जाके हमने हेयर एक्सटेंशन लिए और उसके सामने ही ना बैग की शॉप भी थी जहाँ बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे. एंड यू कैन सी दीज एक्सटेंशन इसमें हर कलर अवेलेबल था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बस तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा हमको अंदर डालना पड़ेगा. इतना बुरा लग रहा है मेरे पे. मेरे को लग रहा है थोड़ा ऊपर हो गया. रोड साइड जो शॉप्स थी यहाँ पे ये सनग्लासेस मिल रहे थे और एथनिक इयररिंग्स और साथ में लगी थी हैंडबैग की सेल जिसमें बहुत अच्छे अच्छे हैंडबैग मिल रहे थे. कुछ तो बहुत ज़्यादा क्यूट भी थे. देन ये रिंग की शॉप दिखी जिसमें 150 से सिल्वर रिंग स्टार्ट थी. सबके जो प्राइजेस थे वो डिफरेंट थे एंड साथ में थे सिल्वर इयररिंग्स जिनकी स्टार्टिंग थी 50 rupees से लेके 500 to 600 rupees. देन वहाँ पे मिल रहे थे बहुत प्यारे प्यारे से मेकअप पाउचेस एंड टॉयलेटरी बैग्स जिनकी स्टार्टिंग थी 100 rupees से एंड बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स एंड प्रिंट थे इनमें. लेकिन मैं इतने पाउचेस जमा कर चुकी हूँ ना अपने पास कि मैंने खुद को समझाया कि मुझे पाउचेस की शॉप नहीं खोलनी है तो फिर मैंने एक भी पाउच नहीं लिया यहाँ से. आगे चलने पे हमें ये सॉफ्टवेयर की शॉप दिखी जो कि 100 rupees से स्टार्ट थे. अगर आपके घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो आप यहाँ से भर भर के सॉफ्टवेयर ले जा सकते हैं. इसके बाद मैंने देखा कि एक जगह पे ना ऐसे चोकर सेट मिल रहे थे लेकिन इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा कोट कर रहे थे भैया. तो ऐसी ज्वेलरी आपको मीशो ऐप में भी मिल जाएगी और वो भी कम प्राइजेस में. ज्वेलरी अच्छी भी समझ में नहीं आ रहा कि अपने लिए कौन सा लेंदा मतलब दुपट्टे हैं क्या प्राइस है इनका. कलर तो बहुत प्यारे हैं. देन हमने एंटर किया मेन लाजपत नगर मार्केट जिसे सेंट्रल मार्केट भी कहते हैं. यहाँ पे शुरू में ही आपको ये फेमस डॉलमा आंटी की शॉप दिख जाएगी जिनके मोमोज काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. लेकिन हम ऑलरेडी फुल थे तो इसलिए हमने टेस्ट नहीं किए. मुक्की साथ में होता तो वो ज़रूर ट्राई करता क्योंकि उसको मोमोज काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इस मार्केट में भी आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाएगी होम डेकोर से लेके मेकअप क्लोथिंग ज्वेलरी फुटवेयर एवरीथिंग. यहाँ पे शोरूम्स भी हैं एंड शॉप्स भी हैं छोटी बड़ी. साथ में रोड साइड में जो शॉप्स लगती हैं वो भी हैं. सरोजनी जैसा ही था मार्केट बट वहाँ से कम रश था. यहाँ पे हमने ना एक यहाँ पे एक दो शॉप्स ऐसी देखी जहाँ पे ना रेडीमेड ब्लाउजेज मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे. सबके प्राइजेस जो थे वो डिफरेंट थे
मैंने एक ब्लैक ब्लाउज ढूंढ रही थी जो कि हर किसी के साथ मैच हो जाए, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। कैसे लग रही? तो क्या बोले जैसे अच्छे हैं। नील के लिए बोला उसने? नहीं, नील के लिए अच्छे हैं। तो नील को नहीं आएगी ना? नील का उनका पैसा होता है। देना 200 का दे दो। नहीं 200 नहीं। और ये वाला कितने का है? ये सब 200 का आता है जी, बच्चे वाला ये सब। ये भी? हाँ। घर से जब निकली थी तो पूरी चमक रही थी मैं, और अब देखो हालत बैंड बज गई है शक्ल की। तो मैं रुकी थी यहाँ पे जूस पीने के लिए। मुँह तो अच्छा नहीं बनाया आपने। मेरे को जूस पसंद नहीं है, अच्छा रहा। और तो कुछ मिला नहीं, जूस ही पी ले। मैं पहली बार पाइनएप्पल का पिया, टेस्टी हो रहा है। पहले मैंने मिक्स पिया। मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ कि मुझे ऐसे छुपा के लाना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है मुझसे, तुमसे मुझे सामान। इतनी शॉपिंग की है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतने सारे बैग्स हैं अभी, मतलब नीचे गाड़ी में भी वो लेके आना। सामान लेके आ जाओ प्लीज। ओए मेरे बच्चा, ओए मेरे बच्चा, ओ बच बच। मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाऊं? ये थैला भर के लेके आया हूं शॉपिंग करते, ठीक है? इतना ज्यादा? मेरा भी ले आ ले। मैंने एक ऐप लिया है। सही लग रहे हैं, पर टूट जाएंगे कुछ टाइम। तुम तोड़ोगे तो टूट ही जाएंगे। नहीं टूट जाते हैं। अच्छे लग रहे हैं? सही लग रहे थे। पर ये मेरी है। हां अंदर भी ये वाले नील के लिए लिया। ये सही है अंदर, इसमें इसमें लिखा है डांस, मेरे उसमें लिखा है हैप्पी डांस। पर ये काफी ज्यादा गर्म है, पता है? बहुत वार्म है, वो वाली बहुत वार्म है। और ये तो मैं घर से लेके गई थी मेरी पुरानी टोपी, मतलब जो ले गई थी वो भी उतार के लाई है। और क्या लिया? मैं टोपी लेने गया था। देखिए दोस्तों, ये मिला है मुझे। अच्छा सॉरी, इसमें ये भी मैं घर से लेके गई थी। तो नया क्या लाई तू? टन टन हम भी बैठे दोस्तों शुक। ये लिया है हमने आज सबसे महंगा आइटम जो आज हम लेके आए हैं लाजपत नगर से, वो ये है। देख ले, ये ऐसी करती है। वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, पूरे साल दिमाग खराब करे रखेगी। और वहाँ जाएगी तो कोई लाती नहीं है। मुंह क्यों बना रहे हो ऐसा? अच्छे से बनाओ। बहुत अच्छे लग रहे हो मुंह के तुम। मैं तो नहीं अच्छी। मैंने सेम उसको ये कहा था, बोल रहा मैडम आप पे अच्छे लग रहे। मैंने कहा भैया मैं अच्छी हूँ, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। काला नमक का पैकेट बनाया। ए लड़की का पर्स चेक नहीं करते, बाकी और कुछ नहीं। अबे पर्स सूटकेस है वो। इसे टोट बैग कहते हैं। टोटे मुझे, टोटे नहीं टोट बैग। कुछ होता है नहीं उसके अंदर। कुछ होता है नहीं उसके अंदर। ये तीन और एक और चीज है, एक और चीज है। ये देखो जेवरात भी लेके आई हूँ वहां से, सस्ते में मिल रहे थे। ओनली फॉर रुपीज 50 रुपीज ये मैं पर्ल के इयररिंग्स लेके आई हूँ। 200-250 रुपए का डीजल फूंक दिया, वो कुछ नहीं, उसका काउंट नहीं कर रहा कोई। मैंने कहा टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, टाइम की तो कीमत ही नहीं। अभी तो गए थे 1 बजे। वहाँ लेके जा, और मतलब मैं वो पूरा दिन छोड़ देना, मैं सब कुछ खरीद लूंगी, ये कर लूंगी। सरोजनी में वहाँ ले गया था, ढेंगा नहीं खरीदा कुछ। और कह रही, फिर कह रही कि तूने अपना वादा रखा, मैं भी अपनी जुबान रखूंगी, मैं दोबारा कभी जाने के लिए नहीं कहूंगी। और जैसी बात कर रही है अब अगली बार लाजपत लेके जाना। मैंने कहा तेरी तो, पर तुझे तो नहीं बोला ना, इसलिए मैं दीदी के साथ गई थी। कौन सा दो आइटम एक्स्ट्रा उठा के लिया? दो और लड़कियां जाके भी, एक झुमका और एक दो। और ये भी एक्स्ट्रा है, मतलब कि चल ठीक है ले लेते हैं। जबरदस्ती हां, पहले भी देख लेते हैं। इसमें भी मैंने बार्गेन की है, इतने मतलब वर्थ इट नहीं है लाजपत जाके खाली टोपी लाना। और मुट्ठी है, स्टाइल मारो यार, अपने बाल दिखाओ यार। ठीक है चल, ये वर्थ इट है हमारे लिए, अपने असली बाल ना काटने पड़े, इसलिए हम ये, वो भी मुझे जिसके बाल ऐसे हो जाते हैं। इसलिए हम ये नकली बाल लेके आए हैं। आप बताओ वर्थ इट था हमारा जाना कि नहीं?
भाई क्यों नहीं था, एक्सप्लोर करा हमने, भी पता चल गया कि कहाँ पे क्या मिलता है। हमने ऐसे वहाँ पे वैरायटीज बहुत सारी थी और सरोजनी से अच्छा स्टफ था, लेकिन पूछा तुमसे लेकिन अच्छा लग रहा है, पता नहीं चल रहा। आज मैं ये लगा के जाऊंगी, मैं सोच रही हूँ मैं भी जल्द ले लूँ, मैं भी अपने बाल लगा दूँ, ऐसे ले लूँ। अच्छा स्टफ था, सरोजनी से अच्छा स्टफ था, है ना, लेकिन प्राइस सरोजनी से थोड़े से ज्यादा थे, थोड़े देखो इतना महंगा लेना है तो मेरा मॉल ही ठीक है, मॉल चले जाओ, है ना। लेकिन एटलीस्ट तुम ट्राई तो करोगे वहाँ पे, ट्राई आप ट्राई नहीं कर सकते कपड़े, है ना, चेंजिंग रूम वगैरह कुछ भी नहीं होता ऐसे रोड की साइड में, मैं नहीं ले सकती ऐसे तो, नहीं हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमें कुछ लेना चाहिए, इसलिए फिर हम यही सब लेके आए जो हमें लगा कि हाँ हमें चाहिए। पता नहीं पिछली बार मैं सरोजनी गई थी तो लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, अच्छी चीज मिलती, अच्छी चीजें तो है पर वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी। ये लड़की ऐसी है, पहले इसने वीडियो बनाई सरोजनी पे, दूसरी वाली जो लास्ट वाली आई, बोलती कुछ नहीं मिला, सब ऐसा ही है, बाद में कुछ टाइम बाद अपनी वीडियो देखी, बोल रही क्या मॉल था यार। नहीं उसकी असलियत ये है कि वो वीडियो में अच्छा लगता है, जैसे हम वीडियो कैप्चर करते हैं उसमें चमक होती चीजों में, वो उसमें अच्छा लगता है, पर रियलिटी में जो मेरी आंखें देख रही थी वो तब अच्छा नहीं था। जैसे कपड़े, हाँ वीडियो में अच्छे आएंगे लेकिन उनका स्टफ अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात खुलूंगी, मैंने बाहर डाल दी। हाँ जो रिएक्शन देखते हैं ठीक है, करवा के आई हेयर कट कैसा लग रहा है? सही लग रहा है लेकिन क्या अच्छा नहीं है, अच्छा है बट मैंने बना नहीं है, मैंने भी तो कटवाए थे एक महीने पहले, भी नहीं कटवाए थे मुझे क्या पता, तो अभी तो जेब के घाव, अभी तो जेब के घाव भरे भी नहीं थे। अच्छे तो लग रहे लेकिन मतलब अभी तो कटवाए थे यार, कुछ लेके नहीं आया हूँ तुम, बताइए करवा के आया दीदी, बताओ कितने के कट होंगे? होंगे कम 1000-1500। अब आप असली रेट बता दो दीदी। असली रेट बता दे। अरे यार मतलब पेड़ के नीचे पर नाई से कटवाए 50 रुपए के। मैंने बोला था दीदी को कि मैं काट दूंगी फ्री में घर पे, पर नहीं नकली बाल है। भाई भाई पूरे असली लग रहे हैं यार। असली रेट लग रहा है ना? पूरे असली लग रहे थे। कहाँ गए तुम? वहाँ क्यों नहीं गए फिर? कहा मॉल तो हम तुम्हारे साथ जा रहे थे ना, इसलिए हम नहीं गए। उसने शुरू किया था ये वाला फेस्टिवल। तो 31st की ईवर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज हम लोग जाए कहाँ, क्योंकि घर से बाहर निकलना है, पार्टी वार्टी करने का सीन है हम लोगों का। तो फिलहाल हम लोग तैयारी व्यारी कर रहे हैं, अपनी ड्रेस वगैरह निकाल रहे हैं, ये देखो मुक्की सूटकेस लेके आ गया, तो बस अभी निकलते थोड़ी देर में, तब तक मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। तो मैंने पहनी ये वाली ड्रेस, रूम को इग्नोर करना क्योंकि हमने बहुत तबाही मचा रखी है यहाँ पे, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना और निकलना होता है कहीं तो ऐसे ही होता है। तो ये ब्लैक ड्रेस मैंने निकाली है, बट इनमें से कोई भी कुछ नहीं पहन रहा, मेरा पति तो एज यूजुअल ट्रैक सूट पहन के जाने वाला है क्लब में, लाइक रियली अभी लड़ाई हुई है प्रॉपर चीज़ पे। और दीदी भी मतलब ड्रेस वगैरह कुछ नहीं डाल रही है, और मैंने सोचा था ड्रेस डालूंगी उसके ऊपर से कोट या जैकेट वगैरह कुछ डालूंगी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये सब सिंपल बन के जा रहा है और मैं ऐसे ड्रेस पहन के जाऊंगी तो इज्जत दे रहे, बोल रहे तू ब्लॉगर है भाई तो अच्छे कपड़े पहन, पर इसको अपनी इज्जत ना इतनी इज्जत इतनी खातिरदारी राज नहीं आ रही, कह रही मैं तो नॉर्मल पहन के जाऊंगी अपने जींस और अपना स्वेटर पहन के, तो पहन ले भाई। तो मेरे को मतलब कंफर्टेबल सा फील नहीं हो रहा है कि मैंने कहा अलग से दिखूंगी मैं तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ जा रही हो तो तुम जैसे ही बन के चलती हो ना, अलग से चलो कोई नहीं भाई। अभी मुक्की कह रहा है एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए, तो मैं एक और देखती हूँ ये वाली ट्राई करके, लेट्स सी क्या निकल के आता है। वैसे एक दीदी ने मुझे ये वाली भी दी है ट्राई करने के लिए, ये वाली पहन के देख, अभी देखती हूँ कौन सी अच्छी लगेगी, लेट्स ट्राई। ये वाली देखो ये कैसी लग रही है, ये शॉर्ट है थोड़ी सी, ये ज्यादा ही शॉर्ट हो गई, मेरा मन नहीं कर रहा कि तुझको पहन के बाहर जाए, दूसरी ट्राई कर। ये ऐसी है ना नीचे से इसलिए कह रहा है,
तो वैसे तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है, बट दीदी ने दी थी तो अब ट्राई तो करना बनता था। देखती हूँ मैं क्या पहनूंगी, और फाइनली जब हम लोग निकल रहे होंगे ना मैं तब मिलती हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इतनी सारी ड्रेस ट्राई करने के बाद फाइनली अपने जैसे कपड़ों में आ गई हूँ, ठीक है। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं पार्टी करने के लिए, चलें, आर यू रेडी? चलो। 31st की नाइट थी और सब लोग पार्टी के लिए निकल रहे थे, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना। पकड़ पकड़े मारेंगे किसी को भाई, पकड़ पकड़े मारेंगे किसी को। तीन थे वो, मतलब हिम्मत देख रहे हो उनकी। ये सब होता है, ये ऐसा मैंने मूवीज में ही देखा है कि मतलब उसे गाड़ी रोक रहे हैं और ऐसे भगाता हुआ जा रहा है। वो तो टाइम पे वो आ गया, उसने बोला ये ठोक के आया भाई, पीछे एक्सीडेंट किया है। अरे देख यहीं पे सामने तो ठोका है कभी, भटभट आवाज बहुत देर से आ रही थी। वो ना वो पैनिक हो गया होगा ना, इसके बाद वो ऐसे ऐसे करते चला गया। एक एक्सीडेंट के बाद वो पैनिक हो गया, मतलब सामने सामने से ठोक के ढक 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 चला गया सामने से। बहुत सारी पुलिस है, अफसोस होगा अगर हमें कहीं भी एंट्री ना मिले तो, दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ हो जाएगा। तो हम आए थे गार्डन गलेरिया, और इतने ज़्यादा क्राउड होने के बावजूद हमें लॉट्स ऑफ द ड्रिंक में एंट्री मिली। आज जो यहाँ की एंट्री फ़ी थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू ईयर था तो सबने अपने प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई रखे हुए थे। और मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार क्लब जाने वाली थी, एंड आई लव डांसिंग, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला दिन था, क्योंकि एक तो न्यू ईयर था और साथ में क्लब, तो मैं तो अंदर एंटर करते ही पागलों की तरह नाच रही थी, मुझे बहुत पसंद है नाचना। हर जगह पे पुलिस है, हर जगह पे। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, तो हम अपनी पार्टी वार्टी खत्म करके अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और बहुत ज्यादा मजा है, बहुत 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 ज्यादा है ना, बहुत मजा है, तो है ना, 10-20,000 लोग हो गए यहाँ पे, है ना, इतने ज्यादा लोग हैं, पूरी लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, पुलिस ही होगी कम से कम 500-600, हर एक जगह पे पुलिस लगी है ताकि कोई बदमाशी करे तो उसे सीधा पकड़ के लेके जाए। हमने घुसते ही देख ली थी भाई साहब, वो जो कार एक्सीडेंट देखा है हमने, गॉड, मैंने पहली बार देखा था इसे, पर चलो अभी हम घर जाके बात करते हैं, ठीक है। यूनिक्स कर रहा होगा हमारा इंतजार, देखो। ओ मेरा बच्चा, हम मिच किया, हैप्पी न्यू ईयर, हमारा वेट कर रहा था, हैप्पी न्यू ईयर नील, हैप्पी न्यू ईयर यूनिक्स, ओ मेरा बच्चा, हमें मिस किया। हां, वन सो या इट्स 1:13 और हम लोग वापस आ गए घर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माई ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली। सो उस टाइम ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, हम जस्ट अभी घर पहुँचे हैं, एंड बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, मतलब गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने हर एक गाना गाया वहाँ पे। मेरे को था कि एक बार ना मुझे क्लब जाना है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई थी, तो वो एटमॉस्फेयर वहाँ की चीज़ें मुझे ऐसे फील करनी थी, एक्सपीरियंस करना था उस चीज़ का। एंड न्यू ईयर के दिन हम लोग वहाँ पे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा सा इन्जॉय किया हमने। सो न्यू ईयर है, नया दिन शुरू हो गया है नए साल का। हमेशा से ना बचपन से
स्कूल में और घर पे भी हम लोगों को सिखाया जाता है कि नए साल में हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम ये नहीं करेंगे, इस साल से हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ होता है ना। तो इस साल मैं ये रेजोल्यूशन लेना चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, मैं कुछ बनने का प्रटेंड नहीं करूँगी, खुद की गलतियों से सीखूँगी, खुद से प्यार करूँगी, जितने भी हमारी चीज़ होती है ना फ्लॉज होते हैं जो हम लोगों की पर्सनैलिटी में, उनको एक्सेप्ट करूँगी, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, हम जैसे ही वैसे रहें और खुद से प्यार करें ना, वो चीज़ अच्छी है। तो इस साल का मेरा रेजोल्यूशन ये रहेगा, मैं वॉना भी बनने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं बस जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। सो ये है मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आप लोग क्या लेना चाहते हो रेजोल्यूशन में मुझे कमेंट करके बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे जो न्यू ईयर वो ऐसे सेलिब्रेट हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी ब्यूटिफुल एंड फील ब्यूटिफुल एंड बी योरसेल्फ, बाय गाइज़।